हेलो दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। तो चलिए, प्रश्नावली जो 5+3 है, इसमें जो आठवां सवाल है हल करते हैं इसको। तो सवाल दिया गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1 और कहा गया कि डीडी एक्स ऑफ वाई ज्ञात कीजिए। लिख लेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो डीडी एक्स लगाएंगे, डीडी एक्स ऑफ क्या साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, साइन एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाई को कॉस वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, डीडीएक्स ऑफ 1। समझिएगा, तो यदि साइन एक्स को हम लोग एक्स कह ले तो एक्स स्क्वायर का अवकलज जानते हैं, तो साइन एक्स को 1 में एक्स कह लेंगे। और एक्स स्क्वायर का अवकलज किस सूत्र से, डीडीएक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन सूत्र होता है, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। इस सूत्र से जब तोड़ेंगे साइन एक्स को एक्स कह के, तो एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x, तो 2 इंटू, और एक्स की जगह क्या लिखेंगे, जिसको मन में एक्स कहे हैं क्या साइन एक्स ना, और फिर जिसको मन में एक्स कहे हैं उसका अवकलन करेंगे। तो किसको मन में एक्स कहे हैं, साइन एक्स को, इसका फिर से एक्स के सापेक्ष अवकलन। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ कॉस वाई को मन में एक्स कह लेंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x, तो 2 इंटू, लेकिन एक्स की जगह क्या कॉस वाई, और जिसको मन में एक्स कहे हैं किसको कहे हैं कॉस वाई को, इसका फिर से अवकलन बराबर 1। तो 1 का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, समझिएगा, 1 का अवकलन 0। अच्छा, संख्या का अवकलन 0 होता है, तो बनाते हैं 2 साइन एक्स इंटू, समझिएगा साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स बनेगा ना, प्लस समझिएगा यहाँ क्या बनेगा 2 कॉस वाई। समझिए कॉस वाई का अवकलन क्या होगा, तो लिख लेंगे क्या माइनस साइन वाई। तो हम लोग y को x कहेंगे मन में, तो cos x का अवकलज माइनस साइन x, तो माइनस साइन लेकिन x नहीं क्या y लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने x किसको कहा है y को, और जिसको x कहे हैं किसको y को ना, तो इसका फिर से अवकलन कर लेंगे बराबर क्या 0। हल किया जाए तो समझिएगा 2 साइन x इन 2 cos x, साइन 2x बनेगा ना, क्योंकि साइन 2 का सूत्र होता है 2 साइन इन 2 cos x, तो इसी से यहाँ लिख लेंगे क्या साइन 2x। और ये देखिए प्लस माइनस गुणा होगा माइनस, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई क्या बनेगा, इसके जगह भी लिख सकते हैं साइन 2y, जैसे यहां लिखे उसी तरह से यहां लिख लेंगे, माइनस यहां लिख लिए इंटू डीडीएक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। समझिएगा डीडीएक्स ऑफ वाई वाले को भेज दे रहे हैं उधर, तो क्या बनेगा साइन 2y डीडीएक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू बन जाएगा साइन 2x। एक्स ऑफ वाई चाहिए तो इधर साइन 2y का गुणा है, इसको इधर भेजेंगे तो भाग करने लगेगा, यानी बनेगा dx of y इज इक्वल्स टू क्या sin 2x अपॉन sin 2y। यह क्या हो गया 7 नंबर जो सवाल है इसके लिए, सॉरी 8 नंबर जो सवाल है इसके लिए dx of y ज्ञात हो गया। तो आगे देखते हैं 9 नंबर सवाल। देखिए जो 9 नंबर सवाल दिया गया है, y equals to sin inverse 2x upon 1 plus x square, और कहा गया कि ddx of y ज्ञात कीजिए। मैंने लिख लिया दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ddx of y is equals to ddx of sin inverse 2x upon 1 plus x square। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहे हैं, ddx of y is equals to, समझिएगा, और ये जो है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो देखिए आपको मैंने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में एक सूत्र लिखवाया है, क्या 2 tan इनवर्स x का सूत्र लिखवाया है क्या साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस जो x स्क्वायर है यहाँ, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ लिख लेंगे ddx ऑफ 2 tan इनवर्स x। तो समझिएगा 2 जो है अचर संख्या है, बाहर आ जाएगा तो ddx of y equals to 2 बाहर मिल जाएगा, और tan इनवर्स x का अवकलन, तो मैंने आपको tan इनवर्स x का अवकलन का सूत्र बताया है कि 1 upon 1 plus x square, गुणा करा दीजिए इसका, तो ddx of y equals to बन जाएगा 2 upon 1 plus x square। इस तरह से हम लोगों ने ddx of y ज्ञात कर लिया। आगे देखते हैं जो 10 नंबर सवाल है। देखिए जो 10 नंबर सवाल दिया गया है, y equals to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square, और हम लोगों को ddx of y निकालना है। x के लिए प्रतिबंध दिया है कि minus 1 upon root 3 से बड़ा है और 1 upon root 3 से छोटा है। यहाँ लिख लेंगे दोनों पक्षों के x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ddx of लगाएंगे ना ऐसे दोनों तरफ, ddx of y is equals to ddx of tan inverse
थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से समझिए, मैंने आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में एक सूत्र लिखवाया है, किसका, थ्री टेन इनवर्स एक्स का। क्या लिखवाया है, सूत्र होता है टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ऐसा सूत्र पढ़ेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह का यहां बन रहा है ना, tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इसी के जगह हम लोग लिख सकते हैं 3 tan इनवर्स x, तो लिख लेंगे ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू ddx ऑफ 3 tan इनवर्स x। तो समझिएगा, तीन अचर संख्या है, बाहर लिख लेंगे ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू, तीन को बाहर लिख लेंगे तो ddx ऑफ tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का अवकलज होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, गुणा करा देंगे तो क्या बन जाएगा, ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू थ्री अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने डीडी एक्स ऑफ वाई ज्ञात कर लिया। आगे देखिए, हल करते हैं 11 नंबर सवाल। देखिए 11 नंबर जो सवाल दिया गया है, वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। कहा गया कि एक्स का मान जीरो से बड़ा है और एक्स से छोटा है, तो हम लोग को डीडी एक्स ऑफ वाई निकालना है। लिख लिया है मैंने कि दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डीडी एक्स लगाएंगे, डीडी एक्स ऑफ y is equals to ddx of, और ध्यान दीजिएगा ये जो cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square है, तो मैंने आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में एक सूत्र बताया है, किसका, 2 tan inverse x का। 2 tan inverse x equals to फॉर्मूला पढ़े हैं cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। तो यहाँ जो cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square है, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 tan inverse x। तो ध्यान दीजिएगा, 2 जो है अचर है, तो ddx of y is equals to 2 को बाहर लिखेंगे या ddx of tan inverse x। तो समझिए tan inverse x का अवकलज क्या होता है, मैंने आपको सूत्र लिखवाया है ddx of y is equals to 2 और tan inverse x का अवकलज 1 upon 1 plus x square, गुणा करा दीजिए 2 का तो क्या बन जाएगा, ddx of y is equals to 2 upon 1 plus x square। तो हम लोगों ने ddx of y ज्ञात कर लिया। आगे देखते हैं 12 नंबर सवाल है। देखिए 12 नंबर जो सवाल दिया गया है, y equals to sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x, और कहा गया कि x का मान 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, तो ddx of y निकालना है हम लोगों को। क्या करेंगे, लिख लिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ddx लगाएंगे, ddx of y equals to ddx of, और ध्यान से समझिए यहां मैं क्या लिख दे रहा हूं, pi by 2 minus cos inverse 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कहां से लिख दिए ऐसा और क्यों लिखे, तो समझिएगा मैं आपको सूत्र बताया हूं, चूंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो यह बताइए कि यहीं से साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये बताइए यदि इस सब को x कह रहे हैं हम लोग, तो साइन इनवर्स x की जगह पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, लेकिन x की जगह यही चीज लिखा गया, और क्यों लिखे, क्योंकि ये cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय में सूत्र पढ़ाए हैं कि ये जो है 2 tan इनवर्स x का सूत्र है। तो हल किया जाए, क्या लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा ddx of y = पाई बाई 2, पाई बाई 2 एक अचर संख्या ही ना है, इसका अवकलज शून्य हो जाएगा, माइनस ddx of, और समझिएगा cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, ये किसका सूत्र है, 2 tan inverse x का। यहां लिख लेंगे क्या, 2 tan inverse x, दो जो है अचर संख्या है, बाहर आ जाएगा ddx of y equals to बनेगा minus 2 और ddx of tan inverse x, तो tan inverse x का अवकलज का सूत्र क्या होता है, 1 upon 1 plus x square, तो ddx of y is equals to minus 2 और इसके जगह इसका अवकलन लिखेंगे क्या, 1 upon 1 plus x square, गुणा करा दीजिए minus 2 का तो गुणा होगा तो बन जाएगा ddx of y is equals to क्या बन जाएगा, देखिए तो minus 2 upon 1 plus x square। इस तरह से हम लोगों ने ddx of y ज्ञात कर लिया, लिख लीजिए इसको। आगे देखते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल दिया गया है, y equals to cos inverse 2x upon 1 plus x square, x का मान minus x से बड़ा है plus x से छोटा है, कहा गया कि ddx of y निकालिए, मैंने लिख लिया दोनों पक्षों के x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करेंगे ddx of y लगाएंगे, ddx लगाएंगे ना दोनों तरफ, ddx of y बनेगा ddx of y equals to ddx of, समझिएगा ये
किसी का सूत्र है, यदि यहाँ साइन इनवर्स होता ना, यदि साइन इनवर्स होता तो सूत्र बन जाता किसी का, तो क्या करेंगे इसको साइन इनवर्स के रूप में चेंज कर लेंगे। कैसे, यहां लिख लेंगे पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे लिखे ये चीज, तो चूंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय टू, यही से बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स या फिर कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, यही से बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो फिर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ हम लोगों ने इसी से तोड़ लिया है, कॉस इनवर्स इस पूरे को एक्स कर लिए तो पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स के लिए पूरा चीज यहाँ लिख दिए। बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू या पाई बाय टू अचर संख्या है, इसका अवकलन करेंगे क्या मिल जाएगा शून्य, माइनस डी डी एक्स ऑफ समझिएगा ये जो साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, ये सूत्र है किसका, टू टेन इनवर्स एक्स का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फल में बताया है, समझिएगा क्या बनेगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो से माइनस करेंगे तो माइनस में बनेगा, ये समझिए दो बाहर आ जाएगा अचर संख्या है तो माइनस टू, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा अवकलज क्या वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, गुणा करा दीजिए तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। यही 13 नंबर जो सवाल है इसके लिए डी डी एक्स ऑफ वाई प्राप्त होंगे। आगे देखते हैं 14 नंबर सवाल, 13 नंबर जो सवाल है देखिए दिया गया है वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स टू एक्स इंटू रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। एक्स के लिए दिया गया है कि एक्स जो है माइनस एक बटा रूट टू से बड़ा है और वन अपॉन रूट टू जो है इससे छोटा है। बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लीजिएगा ऐसे और फिर दोनों तरफ ddx लगाएंगे तो ddx of y equals to ddx of, और ध्यान से समझिएगा ये मैं आपको सूत्र लिखवाया हूं कि यह सूत्र है किसका, 2 sin inverse x का। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ ddx of y equals to, दो तो अचर संख्या है बाहर आ जाएगा और sin inverse x का अवकलन कर लेंगे तो क्या बनेगा वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, गुणा करा दीजिए तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू बन जाएगा टू अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोगों ने इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई याद कर लिया। ये जो सवाल बताया 13 नहीं 14 नंबर सवाल है, तो इस तरह से 14 नंबर जो सवाल है पूरा हुआ। आगे देखिए हल करते हैं 15 नंबर सवाल, ध्यान दीजिए दिया गया है वाई इक्वल्स टू सेक इनवर्स वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, कहा गया कि एक्स का मान जीरो से बड़ा है वन अपॉन रूट टू से छोटा है तो ddx of y निकालना है। मैंने लिख लिया दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर दोनों पक्षों में ddx लगाएंगे तो ddx of y equals to ddx of, और समझिएगा ये जो sec inverse है इसके जगह हम तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना cos inverse 2x square minus 1 upon 1, कहां से लिख दिया ऐसा तो समझिएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में मैंने आपको सूत्र बताया है क्या कि sec inverse x equals to cos inverse 1 अपॉन x होता है, यानी यहाँ जो sec इनवर्स जो दिया गया है इसको हम लोगों को यदि cos इनवर्स के रूप में लिखना हो तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे, यानी कि जो हर में है इसको अंश में बना देंगे और जो अंश में है इसको हर में, ऐसा लिख लेंगे। इसके बाद ddx ऑफ y ये जो कल्स टू समझिएगा ddx ऑफ, और ये किसका सूत्र है तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 जो है ये सूत्र है 2 cos इनवर्स x का, तो हल किया जाए तो ddx ऑफ y इक्वल्स टू, दो तो अचर संख्या है बाहर आ जाएगा cos इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, ये माइनस के साथ मिलता है तो हल करेंगे दो का गुणा कराइए तो बनेगा ddx ऑफ y इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने ddx ऑफ y ज्ञात कर लिया तो 15 नंबर सवाल पूरा हुआ। इसी के साथ हम लोगों ने जो प्रश्नावली है 5.3 उसको पूरा कर लिया है। ये जो सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ यदि अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पीके ज्ञान मस्ती को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए और आप लगातार वीडियो देखते रहिए और मैथ के सवाल को आसानी से हल करते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।